ये तो होना था, जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने ना लायकी ना अहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके एमएनएज एमपीएज आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज रात को आप टॉक शोज देखें, जो पीटीआई के सिटिंग एमएनएज हैं एमपीएज हैं वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये पीटीआई के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा, पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी ना अहली और ना लायकी और ना कम ही चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेरे जमीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए, कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का, मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक जिमनी इंतखाब हारी है, ना सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाय इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे। ये तो होना था, जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने ना लायकी ना अहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके एमएनएज एमपीएज आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज रात को आप टॉक शोज देखें, जो पीटीआई के सिटिंग एमएनएज हैं एमपीएज हैं वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये पीटीआई के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा, पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी ना अहली और ना लायकी और ना कम ही चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेरे जमीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए, कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का, मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक जिमनी इंतखाब हारी है, ना सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाय इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।